नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अचानक ही संक्रमित लोगों की संख्या एकाएक बढ़ती हुई जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से चिंतित प्रशासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा आज कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सीतापुर शहर में कोरोना कर्फ्यू का जनता द्वारा अनुपालन करने के लिए शहर के समस्त चौराहों तथा मुख्य स्थानों पर पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव चलते पुलिस अन्य स्थानों पर भेजी गई है, जिस कारण शहर में पुलिस की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों पर लाइन आर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी बनी हुई है तथा साथ ही उच्च अधिकारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर कोरोना कर्फ्यू में अनावश्यक से ही घूम रहे लोगों एवं बिना मास्क लगाए लोगों पर चालान काटे जाने की कार्यवाही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। सीतापुर में कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए जिला प्रशासन तथा लखनऊ प्रशासन के द्वारा आज जो है कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। हम लोग लालबाग पे खड़े हुए हैं और यहाँ हम कैमरामैन से कहेंगे वो पीछे मेरे दिखाएं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है और लालबाग से होकर यदि कोई भी व्यक्ति निकलता है तो उससे पूछताछ करने के बाद भी उसको वापस भेजा जाता है या उसके खिलाफ चालान काटने की कार्यवाही भी की जा रही है। अगर सही उत्तर लोगों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है कि वो बेकार में क्यों घूम रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उनका चालान काटने की कार्यवाही की जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ मैं राजेश शुक्ला सीतापुर वाइज न्यूज के लिए। चालान की कार्यवाही से कुछ लोग पुलिस से उलझते भी दिखे, साथ ही कुछ लोग अपने चार पहिया वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाकर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा तथा उनका चालान काटा है। शहर पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर की जनता लापरवाही बरतने में बिल्कुल नहीं चूक रही है तथा अनावश्यक ही चौराहों का चक्कर काट रही है, जिसे रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है।